बेटा कैसे हैं आप सब लोग? बेटा आज हम चैप्टर नंबर 5 आपके लिए लेके आए हैं काइनेटिक थ्योरी से। और जो मेरे लास्ट दो लेक्चर्स थे, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4, बेटा इन दोनों लेक्चर में बेसिकली हमने गैस लॉज जो है उन्हें डिस्कस किया था। एंड इफ यू लाइक दीज लेक्चर्स देन प्लीज टेल मी थ्रू द कमेंट। एंड इफ टिल येट यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल then go and please subscribe the channel, right? So, बेटा आज के लेक्चर में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ गैस इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? बिफोर गोइंग इनटू द मच डिटेल, इट इज वेरी मच नेसेसरी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम का उसको हम समझें। Then, in the regular way, we'll come across the different ways to find out the degree of freedom. बेटा ये एक particular topic ऐसा है, इसको हम जितना चाहे उतना complicated बना सकते हैं, right? लेकिन I will focus on the point of view of grasping that particular and basic fundamental जो concept है degree of freedom का. So we will first see some of the simplest way जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन वी विल ग्रेजुअली सी द डिफिकल्ट वेज आल्सो, राइट? देन बाय ऑल द अप्रोचेस वी विल ट्राई टू कैलकुलेट और वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक गैस एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, राइट? और बेटा ट्राई एटॉमिक गैसेस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास दो बेसिक क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज फॉर द लीनियर ट्राई एटॉमिक एटम्स एंड द सेकेंड वन इज फॉर नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक एटम्स, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं। ओके बेटा, चलिए अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बेटा वी विल सी द स्टेटमेंट लेटर ऑन और द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम लेटर ऑन। फर्स्ट ट्राई टू ग्रास्प द फंडामेंटल, राइट? ओके, सो लेट अस अज्यूम कि बेटा हमने एक मोनो एटॉमिक गैस ले ली है और मोनो एटॉमिक गैस में का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें एक ही एटम होगा, राइट? तो ये बेटा आपको लोकेशन दिखाई दे रही है उस पर्टिकुलर एक एटम की, राइट? तो बेटा अगर इस पर्टिकुलर एटम की इस लोकेशन को मुझे डिस्क्राइब करना है, इसको एग्जैक्ट लोकेट करना है, तो कितने कोऑर्डिनेट्स की मुझे जरूरत पड़ेगी? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इट फर्स्ट, राइट? क्योंकि इस पर्टिकुलर एटम की लोकेशन को लोकेट करने के लिए, राइट, उसको बिल्कुल एग्जैक्टली बताने के लिए कि वो कहां पर है, जितने कोऑर्डिनेट्स की आपको जरूरत होगी वो ही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, राइट? सो लेट अस सी कि बेटा अगर मुझे इसकी लोकेशन चाहिए और ये 3D स्पेस में है, राइट? सो आई नीड अ स्पेस वेक्टर फॉर दैट। और सिंपली फॉर्म में अगर इसको समझना चाहे तो बेटा सबसे पहले अगर मुझे इस लोकेशन तक पहुंचना है, फर्स्ट आई हैव टू मूव ऑन द एक्स एक्सिस, दिस विल गिव यू द एक्स कोऑर्डिनेट, देन आई हैव टू मूव ऑन द वाई एक्सिस, दैट विल गिव यू द वाई कोऑर्डिनेट, एंड देन आई हैव टू मूव ऑन और अलोंग द जेड एक्सिस। सो 3D स्पेस में इस एटम की लोकेशन को एग्जैक्टली आपको बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है, राइट? सो एक मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी बेटा 3, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और डाई एटॉमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बेटा डाई एटॉमिक गैस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा उसमें गैस के दो एटम होंगे, राइट? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि एक डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, नाउ लेट अस अज्यूम दैट आई हैव एन डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल विथ मी और इस 3D स्पेस में वो इस तरह से लोकेटेड है, राइट? सो डायटोमिक मीन्स इट कुड बी ऑक्सीजन, इट कुड बी हाइड्रोजन, इट कुड बी नाइट्रोजन, राइट? इट कुड बी एनीथिंग,
राइट, जिसमें एक मॉलिक्यूल में दो एटम, राइट। सो लेट अस से दिस इज एटम वन एंड दिस इज एटम टू। ओके बेटा, अब इन एटम, इस एटम वन और एटम टू की लोकेशन को एग्जैक्टली बताने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ओके सो बेटा, एटम नंबर वन जो है, इसकी लोकेशन बताने के लिए मुझे एग्जैक्टली कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? एटम नंबर वन की लोकेशन बताने के लिए मुझे तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कौन कौन से? एक्स, वाई एंड जेड। नाउ बेटा, ये जो एटम नंबर टू है, इसकी लोकेशन बताने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिएंगे? ट्राई टू फाइंड आउट, लेट्स थिंक अबाउट दैट। ओके सो लगता है कि शायद इसकी लोकेशन बताने के लिए हमें तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, बट अगर हम थोड़ा सा डीपली इस चीज को सोचें तो देखिए बेटा, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इट इज ऑलवेज फिक्स इन अ मॉलिक्यूल, ये चेंज नहीं होता है बार बार, राइट, इफ वी आर ऑन द सेम टेम्परेचर, राइट। सो अगर मुझे एटम नंबर वन का एक्स कोऑर्डिनेट पता है, राइट, सो दैट मींस कि मुझे एटम नंबर टू का एक्स कोऑर्डिनेट पता है कि नहीं पता है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स होगा। लेट अस से इट इज टू यूनिट, लेट अस से इट इज टू यूनिट, और जो एटम नंबर वन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसके लिए मुझे एक्स डायरेक्शन में वन यूनिट चलना पड़ता है। तो एटम नंबर टू तक पहुंचने के लिए मुझे कितने यूनिट चलना पड़ेगा? आई हैव टू मूव थ्री यूनिट्स। सो एटम नंबर टू का एक्स कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मुझे पता है, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स, इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है, राइट। सो एटम नंबर टू की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए मुझे केवल दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, आई नीड ओनली टू कोऑर्डिनेट्स, and let us say y and z. So, बेटा इस पूरे मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी, राइट? इट्स 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, राइट। तो बेटा एक डाई एटॉमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 5, राइट। चलिए, ओके बेटा, नाउ बेस्ड ऑन दिस अप्रोच लेट्स सी द स्टेटमेंट, व्हाट्स द स्टेटमेंट इज बेसिकली सेज। सो इट इज अ बुकिश डेफिनेशन बेसिकली, सो इट सेज दैट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम, दैट मींस गैस बेसिकली, राइट, इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, रिमेंबर दैट, इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड to describe completely the position and the configuration of the system, exactly the thing that we have understand just, right? Okay, now let us see the second approach to define the degree of freedom of gas. Okay beta, this is a simplest approach to find out the degree of freedom of a gas very, very accurately. And you will love that. It is a very simple formula, and I am giving you that formula, and then we will see by the help of this particular formula, how can we calculate the degree of freedom of a gas, right? So let's see. So beta, ye jo formula hai, it is simply says, कैपिटल एन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस आर, कैपिटल एन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस आर, वेयर कैपिटल एन इज बेसिकली द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, कैपिटल ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ total number of atom in a molecule, right?
ओके सो आर स्टैंड फॉर आर इज बेसिकली द नंबर ऑफ रिलेशंस रिलेशंस हैव टू बी मेंटेन्ड have to be maintained in a molecule. In a molecule. चलिए अब ये जो R है बेटा इसको बस थोड़ा सा हमें समझना है, बाकी चीज तो बहुत इजी है, राइट? सो चलिए ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसी डायटोमिक गैस का, राइट? और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वॉट इज द वैल्यू ऑफ A is 2 because we have 2 atoms in this molecule, right? And what is R? What is the value of R for this particular example? Beta, yahan par hamare paas 2 atom hai, right? Aur agar yahan par hum is atom number 2 ko concentrate kare, so we will see that ki beta is atom 2 ko atom 1 se ek ye relationship jo hai ye maintain karke rakhna hai, right? और उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है इन दोनों एटम्स के बीच का कांस्टेंट रहना चाहिए. दैट मींस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इट इज नॉट अलाउड के ये जो आपका एटम नंबर 2 है ये इस तरफ अंदर की तरफ मूव कर जाए या इस तरफ मूव कर जाए, राइट? देखिए अगर ये आपका मॉलिक्यूल मूव होगा, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ओके बेटा, अगर इस मॉलिक्यूल को मूव होना है, राइट? तो ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है एक साथ मूव होगा, राइट? लाइक दिस टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस और टुवर्ड्स द वाई एक्सिस और टुवर्ड्स द जेड एक्सिस, ठीक है? ये जो एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 2 इंडिविजुअली, ये जो एटम नंबर 2 है, दिस पर्टिकुलर एटम नंबर 2 इंडिविजुअली अकेला, इसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इधर या इधर मूव कर पाए, राइट? सो द नंबर ऑफ आर द टोटल रिलेशन दैट हैव टू बी मेंटेन्ड इन अ मॉलिक्यूल दैट इज बेसिकली आर, राइट? और यहां पर बेटा जो आर की वैल्यू आ रही है, जो आर की वैल्यू यहां पर आ रही है इट इज 1. आर की वैल्यू जो आई है इट इज 1, ठीक है? तो चलिए अब ये वैल्यूज जो है हम सीधा इस फॉर्मूले में लगाकर देख लेते हैं और देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है, राइट? सो n इज इक्वल टू 3 इनटू 2 माइनस 1, सो इट इज 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5. और बेटा यही डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है इस डायटोमिक गैस के एग्जांपल में हमने फाइंड आउट करी थी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इस डायटोमिक गैस के मॉलिक्यूल की 5 है, राइट? तो चलिए अब इस पर्टिकुलर अप्रोच का हम स्टेटमेंट जो है उसको देख लेते हैं. सो दिस इज द सेकंड डेफिनेशन बेस्ड ऑन द सेकंड अप्रोच टू फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस, राइट? सो लेट अस सी व्हाट इट से. So according to this definition, the number of degree of freedom of a dynamical system is obtained by subtracting the number of independent relations from the total number of coordinates required to specify the position of constituent particles of the system, right? और ये फॉर्मूला जो है आपको बेटा याद कर लेना है, वेयर n इज इक्वल टू 3a माइनस r, और जहां पर n जो है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, a है टोटल नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल एंड r इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस दैट हैव टू बी मेंटेन्ड इन अ मॉलिक्यूल, राइट? नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट by the help of this particular formula the degree of freedom of monoatomic gas and triatomic gas, because diatomic gas ki hum already find out kar chuke hain, right? So let's see that. Okay beta, for monoatomic gas
What is the value of A? The value of A is 1. एक ही एटम है, right? And what is the value of R? बेटा value of R is 0. Because जब एक ही एटम है, तो कौन सा रिलेशनशिप मेंटेन करना है? Co-relationship मेंटेन नहीं करना, right? So the degree of freedom for a monoatomic gas is n is equal to 3 into 1 minus 0, that is 3, and it is the exact value that we have calculated out from our first approach, right? Okay, now let us see. वैसे हमने कर ही लिया है बेटा, diatomic gas के लिए लिख लेते हैं, चलिए एक बार और. For diatomic gas, complete set हो जाएगा, right? So diatomic, जो diatomic हमारी gas है, उसके लिए जो A की value होगी बेटा होगी 2 और R की value होगी 1, so n is equal to 5 for that particular case, and this is for diatomic gas, right? Now let's try to find out for a triatomic gas, right? So for triatomic gas ke liye dekhte hain beta, right? So, बेटा ट्राइटॉमिक गैस में हमें बेसिकली दो केस जो हैं उन्हें डिस्कस करना है. द केस नंबर 1 इज फॉर द लीनियर मॉलिक्यूल्स और उसका एक एग्जांपल ले लेंगे, एंड देन द केस नंबर 2 इज फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो लेट अस से द फर्स्ट वन इज फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स मीन्स बेटा लेट अस से द एग्जांपल ऑफ बेटा फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ ट्राइटॉमिक सो वी विल हैव 3 एटम्स इन इट सो लेट अस से द एग्जांपल ऑफ CO2 ओके सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ CO2 सो इट हैव अ लीनियर स्ट्रक्चर इन इट राइट So we have 3 atoms 1, 2, and 3. So the value of A is basically 3, right? And the total number of relationship that have to be maintained inside the molecule is beta ek to ye relationship jo hai maintain hona hai aur ek ye relationship maintain hona, that means it have to be maintain 2 relationship, right? So R is equal to 2, 1, 1, 2, 1 plus 1, 2, right? So the what is the value of N? So n is equal to 3a minus r basically. So 3 into 3 minus 2. So it is 9 minus 2. That means 7. So linear molecule ke liye jo degree of freedom humari aa rahi hai, that is 7. Now let us see for non-linear molecule, right? So for non-linear molecule, non-linear molecule. Okay. Okay. So example is H2O, the water vapors, and its structural diagram is something like this. Right. So the number of molecules, the number of atoms in this molecule is 1, 2, and 3. So the value of A is basically 3, and the value of R will be something different than the linear one, right? Let us see. Beta, ek relationship to is oxygen or is hydrogen ko maintain karna hai. So one relationship this have to maintain. Ek relationship is atom or is atom ke beech mein maintained rehna chahiye, that means this. और बेटा एक रिलेशनशिप जो है इन दोनों के बीच में भी क्या रहेगा, इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा. सो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप इज 3 है. सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 into 3 minus 3, एंड इट इज 9 minus 3, इट इज 6. सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस विच इज non-linear in nature will be 6.